नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू करी थी जिसमें हमने बात करी थी कि 9 ग्रहों से संबंधित एक एक ग्रह पर एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। आसान भाषा में बात करेंगे कि अगर ये ग्रह किस चीज़ का कारक है, अगर ये ग्रह खराब हो जाए तो कैसे आप देख सकते हैं लक्षणों से, और पत्रिका में अगर देखना हो तो कैसे देखा जा सकता है। अगर आपको एक बार ये समझ में आ जाए कि एक पर्टिकुलर ग्रह आपका ख़राब हो रहा है तो फिर उपाय भी उसी तरह से किए जा सकते हैं। हमने 2 ग्रहों पे बात ऑलरेडी कर ली थी जिसमें हमने चंद्रमा और शनि पे बात करी थी, वो वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज बात करूँगा केतु ग्रह की। केतु है दरवेश, केतु यात्रा का कारक है, केतु है जॉइंट पेन्स, अगर कुछ भी हमें होते हैं तो उसका कारक केतु है, केतु बैकबोन का कारक है, केतु झंडे का कारक है। यानी झंडे का कारक का मतलब ये है कि जो ऊंचाइयाँ देनी है ज़िंदगी में वो केतु की वजह से आती हैं। अगर हम शरीर में देखें तो हमारे को जो कान संबंधी समस्याएं आती हैं उसका कारण केतु है, अगर यूरिनल इश्यूज आ रहे हैं तो भी केतु की वजह से, और जितने भी कमर के नीचे के रोग हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो बैकबोन से रिलेटेड कोई इशू हो, वो सारे के सारे केतु से संबंधित हैं। तो केतु जो है बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रह है, और सबसे बड़ी बात ये आप समझिए कि केतु अगर ख़राब हो गया तो बृहस्पति के फल भी अपने आप ही पत्रिका के अंदर ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि केतु जो है वो बृहस्पति का चेला है। तो बृहस्पति को जब अपने चेले की सपोर्ट नहीं मिलेगी वो ख़राब हो जाएगा, तो बृहस्पति के भी फल ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि केतु आपकी कुंडली में ख़राब हो रहा है? कुछ लक्षण तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको गिनाया कि अगर सपोज़ आपको कमर से संबंधित यानी बैकबोन से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कमर से नीचे के रोग हैं, जैसे डायबिटीज़ मैंने एक एग्जांपल दिया, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, केतु जो है वो जॉइंट्स का कारक होता है, तो अगर जॉइंट्स पेन रह रही हैं तो भी कहीं ना कहीं केतु ख़राब है। और सबसे बड़ी बात है, केतु है आपके सुनने की क्षमता, अगर आपके सुनने की क्षमता बहुत कमज़ोर हो गई है और बार बार आप फील करते हैं कि कहीं ना कहीं इस वजह से भी, क्योंकि आप यू आर नॉट अ गुड लिसनर, तो उस वजह से भी आपको समस्याएं आती हैं, तो केतु कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। और अगर आप रिश्तों में देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिश्ता आता है, केतु जो है वो आपके मेल चाइल्ड का कारक है, तो मेल चाइल्ड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है, या तो मेल चाइल्ड है नहीं, या मेल चाइल्ड होने के बाद भी हुआ ना हुआ बराबर है, आपको उससे समस्याएं आ रही हैं, तो केतु कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। अब इसको ठीक करना चाहते हैं, तो इससे पहले कि मैं बात करूं कि क्या क्या रेमेडीज़ की जा सकती हैं, कई लोग जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं उनके लिए कि केतु के कॉम्बिनेशंस हैं, अगर केतु बुध के साथ होगा या केतु मंगल के साथ, मंगल के साथ तो वैसे भी केतु जब भी होता है तो हम ये कहते हैं मंगल केतु के कॉम्बिनेशन से मंगल बध हो जाता है। ऐसे केसेस में तो आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि ना सिर्फ आपको केतु संबंधित समस्याएं हो रही हैं, जैसे कमर के रोग हो रहे हैं, आपको बैकबोन में प्रॉब्लम हो रही है, कमर से नीचे के यूरिनल इश्यूज हो रहे हैं, वो तो हो ही रहे हैं, साथ साथ ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी बहुत बार देखे गए हैं। और मंगल केतु होने की वजह से, क्योंकि मंगल बध हो गया, अब मांगलिक कार्य होने बंद हो गए, मांगलिक कार्य होने बंद हो गए तो आप जानते ही हैं कि आपने तो अपना एफर्ट लगाया लेकिन 99 पे जाके काम अटक जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात है, केतु के रिजल्ट अगर अफेक्ट हो गए तो एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, राहु जो है वो है विचार, जो धड़ के ऊपर का हिस्सा है वो राहु है, जो धड़ के नीचे का हिस्सा है सारा वो केतु है। तो विचार क्या करते हैं, विचार करते हैं प्लानिंग, यानी राहु का काम है प्लान बनाना और केतु का काम क्या है, एग्जीक्यूट करना। अब अगर केतु ही खराब हो गया तो विचार आप जितना मर्जी कर लीजिए, प्लान आप जितने मर्जी कर लीजिए, तो एग्जीक्यूशन सही नहीं होगा तो नुकसान होना शुरू हो जाता है। अब आपको एक बार ये पता चल गया कि केतु खराब हो रहा है तो क्या उपाय किए जा सकते हैं, जो सबसे कारगर उपाय है, मैं 2-3 उपाय आपके साथ बात करूंगा जो सबसे कारगर उपाय हैं केतु के और सबसे अच्छा रहता है,
परामर्श लेकर ही अगर आप उपाय करेंगे तो ज़्यादा फायदा है, क्योंकि पत्रिका के और कॉम्बिनेशंस को भी देख लिया जाता है, कहीं केतु ग्रहण तो नहीं लगा रहा। अगर केतु खाना नंबर 4 में हो तो चंद्रमा को ग्रहण लगा रहा है, अब केतु चंद्रमा के साथ है तो ग्रहण लग रहा है, तो उसके उपाय अलग से करने पड़ते हैं। तो इसीलिए बेटर रहता है कि परामर्श लेकर किया जाए। लेकिन कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो केतु के बहुत अच्छे रिजल्ट देती रही हैं, वो मैं आज आपके साथ इस सीरीज़ में मैं वही बात करूंगा कि वो 2-3 उपाय जो बहुत बहुत इफ़ेक्टिव साबित हुए हैं। सबसे पहला उपाय, मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में कहा है, कुत्ते की सेवा करना और ख़ासकर स्ट्रीट डॉग्स की या स्ट्रे डॉग्स की सेवा करना, वो सबसे अच्छा उपाय है अपने केतु को सही करने का। तो नियमित तौर पर जो भी आपसे बन पड़े आप कुत्तों को खाने के लिए देते रहें, नियमित तौर पर, कोई वंस इन अ वाइल का उपाय नहीं है, ये रेगुलर नियमित तौर पे उपाय करने वाला है। पहला कार्य तो ये रही, ये करिए। दूसरा कार्य आपने करना है, केतु मैंने अभी आपको बताया कान का कारक है, सुनने की क्षमता है। अब अगर मान लीजिए केतु खराब हो रहा है तो मेल्स के लिए ये कहा जाता है कि आप अपना बायां कान लेफ्ट ईयर छिदवा लीजिए और उसमें सोना धारण कर लीजिए। फीमेल्स के लिए आप दोनों कानों में डाल सकते हैं। तो दूसरा जो उपाय बनता है कानों में सोना धारण करना। अब बहुत सारे व्यक्तियों ने कानों में चांदी धारण की होती है, वो चांदी जो है वो चंद्रमा से संबंधित है, चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन बनेगा, वो अच्छे रिजल्ट नहीं दिए देखे गए। तो अगर ऐसा कुछ करना भी हो तो पहले राय लेकर किसी विद्वान ज्योतिषी से पहले पूछकर फिर ही करें, नहीं तो कान में सोना धारण। सोना जो है वो बृहस्पति से संबंधित है, आप समझते ही हैं, बृहस्पति और केतु का जब कॉम्बिनेशन होगा, केतु को गाइडेंस चाहिए, बृहस्पति अगर गाइडेंस साथ में दे रहा है, सोना साथ में जुड़ेगा, तो केतु के रिजल्ट अपने आप धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेंगे। ये 2 कार्य तो आप कर सकते हैं। तीसरा कार्य आप ये करिए, अगर यूरिनल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, खासकर डायबिटीज जैसे रोग, तो दोनों, क्योंकि केतु जो है हमारे पाँव का कारक है, तो दोनों पाँव के अंगूठों में आप चांदी के छल्ले डाल सकते हैं। वो चांदी के जो छल्ले डालेंगे वो आपके इस समस्या से, केतु की जो समस्या आ रही है उसको कम करने में आपकी मदद करेंगे। ये करा जा सकता है। अब चौथा उपाय जो करा जा सकता है बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन इसको 43 डेज लगातार करना है। क्या करना है आपने, आप एक तांबे का लोटा लीजिए, उसके अंदर जल डालिए और उसमें काले सफ़ेद तिल डालिए। जो काले तिल होते हैं वो शनि से संबंधित होते हैं, सफ़ेद तिल जो होते हैं वो आपके चंद्रमा से संबंधित होते हैं। दोनों जब आप मिक्स कर देंगे, काले और सफ़ेद तिल, तो ये केतु बन गया। तो आपने काले सफ़ेद तिल डाले अपना तांबे के लोटे में और भगवान शिव पर जल चढ़ाते हुए आप कोई भी मंत्र, और सबसे अच्छा मंत्र है ओम नमः शिवाय, जो आसानी से आप कर भी सकते हैं, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए ये जल चढ़ा दीजिए शिवलिंग पर। और ये कार्य आप किसी भी सोमवार से शुरू करें और 43 डेज लगातार कर लें, तो केतु संबंधित समस्याएं कम हो जाएंगी। और आखिर में अगर केतु बहुत ज़्यादा समस्याएं दे रहा है, तो केतु को शांत करने के लिए, केतु के अच्छे रिजल्ट लेने के लिए, जो मंदिर में मुसाफिर आते हैं, अपने घर के आसपास धर्मशाला देख लीजिए, उस धर्मशाला में जो मुसाफिर ठहरते हैं, जो आने जाने वाले ठहरते हैं, आप उनको किसी तरह से हेल्प कर सकें, खाने के लिए कुछ दे सकें, या धर्म स्थान के पास आपको लगता है कि कोई दरवेश फकीर वो घूमते हैं, आप उनको खाने के लिए नियमित तौर पर देंगे, तो केतु के रिजल्ट अपने आप ही धीरे धीरे ऊपर आपके बढ़िया होते चले जाएंगे। एक प्रिकॉशन ज़रूर ध्यान रखिएगा, अपना दुखड़ा बार बार रोना ये केतु को खराब करता है। कई व्यक्तियों की आदत होती है वो हर किसी के साथ अपना दुखड़ा रो रहे हैं, तो इससे केतु खराब हो जाता है। तो प्रिकॉशन का भी ध्यान रखिए, उपाय तो करिए ही करिए साथ साथ, और जो भी कोई अच्छा कार्य आप करते हैं उसकी ज़्यादा बखान करना, कोई दान किया वो आपने अपना बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया, तो उससे भी केतु खराब हो जाता है। इन दोनों चीज़ों से बचेंगे तो केतु और ख़राब नहीं होगा, और इधर जो मैंने आपको उपाय बताए वो आप उपाय करते चले जाएंगे, केतु के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और आप देखेंगे आप जीवन की ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। जिनके भी जीवन में वो कहते हैं कि हम ऊपर जा ही नहीं रहे, अब बिल्कुल ग्रोथ अटक ही गई है, तो केतु के उपाय बहुत हद तक आपको रिलीफ प्रोवाइड करेंगे।
आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। धन्यवाद दोस्तों।